एक बार फिर 10th क्लास के विद्यार्थी ध्यान देंगे कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। ये क्या थी? साबरमती आश्रम से लेके दांडी, जो गुजरात का दांडी नामक स्थान है वहां तक की गई थी। इसी नाम से दांडी नमक भी आता है। तो ये दांडी यात्रा शुरू की थी। दांडी यात्रा में क्या किया था गांधी ने? 78 अनुयायियों के साथ एक यात्रा की थी, जिसे पैदल मार्च भी बोला जाता है। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई थी। इस यात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य था कि जो पहले नमक भारत के अंदर बिकता था, पहले जो नमक था वो इंडिया के अंदर बिकता था, उस नमक पे अंग्रेजी सरकार का हक था, स्वयं का नमक बना के गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ, बाद में ये भीड़ काफी बढ़ गई थी, बाद में ये भीड़ हजारों में चली गई थी, स्वयं का नमक बना के नमक कानून तोड़ा था, इसलिए इसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दांडी यात्रा के बारे में आप क्या समझते हो, दांडी यात्रा कहां से कहां तक चली थी। दांडी यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से लेके गुजरात के दांडी नामक स्थान तक चली थी। स्वयं का नमक बना के ये कानून तोड़ा था, नमक पर अंग्रेज सरकार का हक वो समाप्त कर दिया था। इसके बाद मार्च 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था। 1930 के अंदर, ईस्वी के अंदर गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय यानी सभी को, अज्ञा है बढ़ चढ़ के भाग ले। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में देश में सबसे पहले महिलाओं ने भी इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लिया था। जो गांधी के प्रमुख सहयोगी महिला थी वो थी सरोजनी नायडू ने इस आंदोलन के अंदर महिलाओं को इकट्ठा किया, महिलाओं को एक साथ लेके आई थी और ये आंदोलन काफी सक्सेस होता। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी वो 1930 के अंदर, मार्च 1930 के अंदर गांधी ने की थी। सविनय अवज्ञा यानी कहने का अर्थ है कि इसके अंदर सभी भारतीय लोग हैं वो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, और अंग्रेजी सरकार की हुकूमत को हम हिलाके रख देंगे, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हम एक ऐसा मार्ग अपनाएंगे, अंग्रेज सरकार यहाँ देश छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया। सभी ने इसके अंदर सभी वकील है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, या जो भी लोग है, जो भी काम करने वाले मजदूर है, जो भी अंग्रेज सरकार की सेना में भर्ती है, सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और अंग्रेजी सरकार का विरोध करेंगे। इस आंदोलन में सभी भारतीयों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इसके अंदर ये भी कहा स्वदेशी का प्रयोग किया जाएगा, अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा, स्वदेशी कपड़े का प्रयोग है वो किया जाएगा। इस प्रकार ये इस लेसन के 1930 तक का जो भी हिस्ट्री इतिहास है वो आप तक पहुंचाने का काम किया है। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आप बना लीजिए, अगर नहीं बन रहे हैं तो इसका जैसे ही लेसन होगा उसके कुछ आंसर्स है वो बोर्ड पे लिख के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो समझ आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।